तो आप सोच रहे होंगे क्रिकेट के मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं बाएं हाथ से बल्लेबाजी करूं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, मैं बाएं हाथ ही बल्लेबाजी करता हूं। और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का भारतीय टीम के खिलाफ बोलबाला देख के एक बात तो साफ नजर आती है कि भारतीय टीम के खिलाफ जब भी कोई क्वालिटी बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है तो भारतीय टीम को परेशानी आती है। अब एशिया कप के मैच याद करें, पाकिस्तान के लिए नवाज ने अच्छा प्रदर्शन किया तो भारत मैच हार गया, फिर दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ राजपक्षे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, भारतीय टीम मैच हार जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देख लें, मैथ्यू वेड आते हैं, बड़ा रन बनाते हैं और भारतीय टीम फिर मैच हार जाती है। अब आप सोचिए जरा कि दक्षिण अफ्रीका के पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुरुआत की अगर बात है क्विंटन डिकॉक जो बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर नीचे आइए तो डेविड मिलर द किलर, और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं खासतौर से जो उनका रेंज होता है जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ वो शॉट्स खेलते हैं, आप अंदाजा लगाइए भारतीय स्पिनर्स का और भारतीय तेज गेंदबाजों का कितना बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि भारतीय तेज गेंदबाज हो चाहे भारतीय स्पिनर हो, क्रिकेट के इस मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को रोकने के लिए उनको बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, खासतौर से उनका जो रडार होता है, यानी कि आपको इस रेंज में बॉल डालने से बचना पड़ेगा, नहीं तो मिड विकेट लॉन्ग ऑन बस पहले की तरफ बड़े वो शॉट्स खेल सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से डेविड मिलर इम्प्रोवाइज करते हैं या क्विंटन डिकॉक जिस तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं उससे भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंडर और अगर आपको रिवर्स स्वीप मारना आता है और अगर आप स्विच हिट भी मार सकते हैं फिर आप बल्लेबाज होकर गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती रख सकते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत को दक्षिण अफ्रीका को हराना है तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनको बेहतर रणनीति के साथ क्रिकेट के मैदान पर उतरना पड़ेगा और इन बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी।